नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी सज्जनों का अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कान के द्वारा आयोजित इस सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम लोग यह सुनेंगे कि हमें किस प्रकार से हमें कैसे बोलना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है और हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि हमें सदैव मधुर बोलना चाहिए, हम सबको मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और बशीकरण को चूर्ण है तजदे बचन कठोर। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें घर में परिवार में हमारे मित्रों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम मीठा बोलते हैं ना तो सब लोग हमारे वश में हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं वशीकरण को चूर्ण है तजदे वचन कठोर। यह मीठी वाणी में ऐसी शक्ति है कि लोग स्वाभाविक हमारे प्रति आकर्षित हो जाते हैं, हमारे वश में हो जाते हैं। बात बिल्कुल सही है। भागवत में गोपी गीत में ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण मधुर या गिरा वल्गु वाक्यया, हे कृष्ण आप इतने मधुर बोलते हो, आप इतने मीठे बोलते हो कि आपकी मधुर वाणी को सुन करके हम ब्रज की गोपियां आपकी दासी बन गई हैं,
आपके मधुर वाणी को सुनकर के। मधुर वाणी में, बोली में ऐसी शक्ति है कि आदमी हमारे वश में हो जाता है। इसीलिए मीठा बोलना चाहिए। हमारे गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि कोयल काको देत है, कौवा काको लेत, मीठे वचन बोल के सबके मन हरि लेत। कहते हैं कि कोयल किसी व्यक्ति को क्या दे देती है या दे देता है कि लोग जो है उसकी बोली सुनने के लिए तरसते रहते हैं। वह किसी को कुछ देता नहीं है, फिर भी लोग उसके बस में रहते हैं क्योंकि वह मधुर बोलता है। और कौवा किसी व्यक्ति का क्या ले लेते हैं, कौवा किसी व्यक्ति का क्या ले लेता है कि लोग जो है उसको हमेशा मारने के लिए तैयार रहते हैं। वह किसी का कुछ लेता नहीं है, वह इतना कर्कश बोलता है, इतना कड़वा बोलता है कि लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। कहने का भाव यह है कि हमें मधुर बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें ऐसा मधुर बोलना चाहिए कि हम भी प्रसन्न रहे और सामने वाला आदमी भी प्रसन्न रहे। जैसे एक बार एक कुम्हार जो है वह चिलम बना रहा था, जिससे लोग गांजा पीते हैं। उसी समय एक संत जो है उस मार्ग से कहीं पर जा रहे थे। उस समय जब संत ने देखा कि वह कुम्हार चिलम बना रहा है, महात्मा जी ने कहा कि देखो भैया, आप चिलम मत बनाओ। कुम्हार ने पूछा क्यों? संत ने कहा क्योंकि अगर आप चिलम बनाओगे ना तो यह चिलम खुद भी जलेगा और दूसरे को भी जलाएगा, इसलिए आप चिलम मत बनाओ। कुम्हार ने पूछा तब हम क्या बनाएं? संत ने कहा कि अगर आपको बनाना ही है ना तो आप घड़ा बनाओ, क्योंकि घड़ा खुद भी ठंडा रहता है और दूसरे को भी ठंडा करता है। तो जैसे घड़ा खुद भी ठंडा रहता है, जैसे घड़ा खुद भी ठंडा रहता है और दूसरे को भी ठंडा बना देता है, वैसे ही हमें ऐसे मधुर वचन बोलना चाहिए कि हम भी प्रसन्न रहे और सामने वाला आदमी भी प्रसन्न हो जाए। ऐसा मधुर वचन बोलना चाहिए, ऐसा वचन बोलना चाहिए कि जिससे दूसरे का दुख दूर हो जाए। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जिससे दूसरे का दुख और दर्द और बढ़ जाए, अपितु ऐसा बोलना चाहिए कि दूसरे का दुख दूर हो जाए। जैसे रामायण में एक बहुत सुंदर कथा है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता और लखन इन तीनों को छोड़ करके सुमंत जी जब वापस आ रहे थे, उस समय सुमंत जी ने माता सीता जी से पूछा कि बेटी, मैं वापस अयोध्या जा रहा हूँ, तो क्या तुम अपने ससुर, अपने पिता दशरथ जी के सांत्वना के लिए कुछ संदेश देना चाहती हो? माता सीता ने
अपने दिल में जो भी बात थी उस बात को कह दिया। फिर सुमंत जी ने लखन जी से पूछा कि लखन, मैं अयोध्या जा रहा हूँ, क्या आपको अपने पिताजी को सांत्वना देने के लिए कुछ कहना है? उस समय लखन जी दशरथ जी के ऊपर बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में अपने पिताजी को बहुत फटकारा, बहुत फटकारा। अब जो है सुमंत जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु, मैं वापस अयोध्या जा रहा हूँ, तो क्या आप अपने पिताजी को सांत्वना देने के लिए कुछ कहना चाहते हो? राम जी ने बहुत सारी बातें कही और अंत में भगवान राम ने सुमंत जी को कहा कि सुमंत जी, पिताजी, लखन जी ने, लखन ने मेरे पिता के प्रति जो भी कटु वचन कहे, आपको मेरी शपथ है कि आप यह सब बात मेरे पिताजी से मत कहिएगा। अब जो है सुमंत जी अयोध्या में आए, दशरथ जी ने पूछा कि सुमंत जी, मेरी बेटी सीता ने क्या मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? सुमंत जी ने सीता जी की सारी बातें बता दिया। अब जो है दशरथ जी ने पूछा, क्या मेरे बेटे राम ने मेरे लिए कुछ संदेश भेजा है? सुमंत जी ने राम जी का भी संदेश सुना दिया। अब अंत में दशरथ जी ने पूछा कि क्या लखन ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है, कुछ कहा है? उस समय सुमंत जी ने कहा कि महाराज, बड़े दुख की बात है, लखन ने आपको बहुत फटकारा है। दशरथ जी ने पूछा, क्या फटकारा है, जरा हमें भी तो बताओ। उस समय सुमंत जी ने कहा कि क्षमा करे महाराज, मैं आपको बता देता लेकिन प्रभु राम ने बताने के लिए मना किया है। बार बार निज शपथ दिवाई, कहबी न तात लखन लरिकाई। प्रभु ने शपथ दिलाया इसलिए मैं मजबूर हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। अब इस प्रसंग में एक प्रश्न होता है कि सुमंत जी को जब लखन जी का पूरी बात दशरथ जी को नहीं बतानी थी तो उन्होंने इतना भी क्यों बताया कि लखन जी ने आपको फटकारा है? तब संत लोग कहते हैं, क्योंकि सुमंत जी ऐसा बोल करके दशरथ जी का दुख दूर करना चाहते थे। दशरथ जी के मन में दो बातों को लेकर बहुत दुख था। पहला, दशरथ जी के मन में इस बात को लेकर के बहुत दुख था कि मैंने राम के साथ बड़ा अन्याय किया है, कि उसे अयोध्या का राज्य देने की बात करके 14 वर्ष के लिए जंगल का राज दे दिया, वन में भेज दिया। निश्चित ही मेरे इस दुर्व्यवहार से राम को बहुत चोट लगी होगी और जरूर उसके मन में मेरे प्रति आक्रोश होगा, क्रोध होगा। यह उनके मन में दुख था। लेकिन जब उन्होंने, दशरथ जी ने सुमंत जी के मुख से सुना कि लखन मेरे खिलाफ बोल रहा था,
तो राम जी ने मना कर दिया कि आप दशरथ जी के प्रति गलत मत बोलो। राम जी ने मना किया इसका मतलब यह है कि राम के मन में मेरे प्रति आक्रोश नहीं है। दशरथ जी समझ गए कि लखन मुझे फटकार रहा था तो राम ने मना किया, इसका मतलब यह है कि राम के मन में मेरे प्रति तनिक भी आक्रोश नहीं है। नहीं तो आक्रोश होता तो राम और कहते कि लखन और गलत बोलो, और डांटो, और गाली दो। लेकिन राम जी ने ऐसा करने से मना किया, मतलब दशरथ जी समझ गए कि राम के मन में मेरे प्रति आक्रोश नहीं है। तो सुमंत जी ने लखन जी की न बताने वाली बात भी बताई, तो इसका परिणाम क्या हुआ? दशरथ जी का पहला दुख दूर हो गया और दूसरा, दशरथ जी के मन में इस बात को लेकर के बहुत दुख था कि मेरा राम कमल से भी कोमल है और जंगल में तो वज्र के समान कठोर जानवर और राक्षस रहते हैं, तो उन जानवरों और राक्षसों से मेरे राम की रक्षा कौन करेगा? उनके मन में यह दुख था। लेकिन जब दशरथ जी ने सुमंत जी के मुख से सुना कि लखन मेरे खिलाफ बोल रहा था, तो दशरथ जी का दूसरा दुख भी चला गया, क्योंकि दशरथ जी ने सोचा कि जब राम के खिलाफ मैंने भी थोड़ा बुरा कर दिया तो लखन मुझको भी फटकारने से नहीं चुका, फिर अगर जंगल में मेरे राम के साथ कोई दूसरा बुरा करेगा तो फिर लखन उसका क्या हाल करेगा। लखन के जैसा भाई रहते हुए मेरे राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे राम का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। यह सोच करके दशरथ जी का दूसरा दुख भी चला गया, दशरथ जी का दूसरा दुख दूर हो गया। तो कहने का भाव यह है कि देखिए, सुमंत जी ने लखन जी की न बताने वाली बात भी बताई, तो इसका परिणाम क्या हुआ? दशरथ जी का दोनों दुख दूर हो गया। वास्तव में हम सबको ऐसे बोलना चाहिए कि जिसको सुन करके दूसरे का दुख और दर्द दूर हो जाए, दूर हो जाए। मधुर बोलना चाहिए। कहते हैं कि एक बार दूध में शक्कर डालना भूल जाइए चलेगा, एक बार आप खीर में शक्कर डालना भूल जाइए चलेगा, लेकिन वाणी में मिठास डालना मत भूलिए, क्योंकि शब्द में ऐसी ताकत है कि इसे संभाल करके बोलेंगे तो दिल में उतर जाएंगे और इसे संभाल करके नहीं बोलेंगे तो दिल से उतर जाएंगे। मीठा बोलिए, मधुर बोलिए, क्योंकि बाड़ी में बहुत शक्ति है। हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, वाणी में कितनी अजीब शक्ति है कि मीठा बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है लेकिन कड़वा बोलने वाले की मिठाई नहीं बिकती है। इसलिए मीठा बोलना चाहिए। कदाचित कोई व्यक्ति कह सकता है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। गीता में भगवान ने कहा है कि हमें मधुर बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, और सत्य तो कड़वा होता है, तब हम क्या करें? आप कहते हो कि मीठा बोलना चाहिए और कृष्ण कहते हैं कि सत्य बोलो,
और सत्य तो हमेशा कड़वा ही होता है, तो हम मीठा कैसे बोले? तब हमारे संत लोग कहते हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि सत्य कड़वा होता है लेकिन आप उस सत्य को मीठा बना करके बोलिए। जैसे रामायण में ही प्रसंग है कि जब भगवान राम को अयोध्या का राज्य मिलने वाला था लेकिन उनको वन का राज्य मिल गया, उस समय राम जी अपने माता कौशल्या के पास गए। माँ कौशल्या ने कहा कि बेटा आज तेरा राज तिलक होने वाला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, चल चल आज मेरे गोद में बैठ, मैं तुझे मिठाई खिलाती हूँ। उस समय राम जी मुस्कुराते हुए चुपचाप खड़े थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। माँ कौशल्या ने पूछा, बेटा तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान राम ने रोते हुए नहीं कहा कि माँ मुझे अयोध्या का राज्य मिलने वाला था और पिता ने मुझे जंगल में भेज दिया, नहीं, भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ आज जो है मेरे ऊपर मेरे पिताजी की बहुत बड़ी कृपा हो गई कि मेरे पिताजी ने मुझको अयोध्या का राजा नहीं बनाया, मेरे पिताजी ने तो असीमित जंगल का राजा बना दिया। मेरे पिताजी इतने छोटे अयोध्या का राजा नहीं बनाए, मेरे पिताजी तो असीमित अपार जंगल का राजा बना दिया। तो देखिए भगवान राम ने सत्य बोला लेकिन सत्य को कितना मधुर बना करके बोला, हमें ऐसा बोलना चाहिए। देखिए केवल सत्य बोलना यह कैसे है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि केवल सत्य बोलना जलेबी को घी में डुबा कर देने जैसा है, और सत्य को मीठा बना करके बोलना यह तो जलेबी को चीनी के पाग में डुबा कर देने जैसा है। यद्यपि दोनों ही ठीक है लेकिन अगर आप जो है किसी व्यक्ति को जलेबी को घी में डुबा करके दे दोगे तो भी ठीक है लेकिन आदमी को बचेगा नहीं। लेकिन आप जो है जलेबी को चीनी के पाग में डुबा करके दीजिए तो आदमी जो है आनंद से उसे खा लेगा। वैसे ही सत्य को अगर हम मीठा बना करके बोलते हैं ना तो आदमी उसे मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेगा। इसलिए सत्य को मीठा बना करके बोलना चाहिए। और कदाचित कोई व्यक्ति कहे कि हमें बना करके बोलना नहीं आता है, तब क्या करें? तब चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि अगर आप सत्य को मीठा बना करके नहीं बोल सकते, आपको बोलना नहीं आता है, तो आप जो है मौन व्रत का पालन कीजिए, आप चुप रहिए। जैसे कोयल, चाणक्य पंडित जी लिखते हैं, तावन मौनेन नियन्ते कोकिलाश्चैव वासराः यावत सर्व जनानंदायनी वाक न प्रवर्तते। जैसे कोयल की जब तक वाणी मीठी नहीं हो जाती है तब तक कोयल मौन रहता है, वैसे ही जब तक आपकी वाणी मीठी नहीं हो जाती है तब तक आप मौन रहिए, चुप रहिए। क्योंकि इस जीव में भले ही हड्डी नहीं है लेकिन हमारे संत लोग कहते हैं कि हड्डी तोड़वा सकती है। हड्डी भले नहीं है लेकिन यह चाहे तो हड्डी को तोड़वा सकती है। एक बार मुख के भीतर स्थित सारे दांतों ने जिह्वा रानी से कहा कि देखो जिह्वा, तुम हमारे भीतर ही रहा करो, बाहर मत निकला करो, नहीं तो हमारे दांत बहुत तीक्ष्ण है, हम तुम्हें काट डालेंगे, इसलिए अंदर ही रहा करो।
उस समय जीव ने कहा कि शांति से रहो, ये मेरी शराफत है कि तुम बचे हुए हो, नहीं तो एक बार में किसी को दो चार शब्द गलत बोल दी ना तो सामने वाला ऐसा थप्पड़ मारेगा, ऐसा मुक्का मारेगा कि तुम 32 के 32 बाहर निकल जाओगे, 32 के 32 बाहर निकल जाओगे। बात भी सही है, जीवा एक बार किसी को गलत बोल दे तो फिर सामने से ऐसा मुक्का और ऐसा थप्पड़ मिलेगा कि सारे दांत बाहर हो जाएंगे। इसीलिए हमें वाणी को संभाल करके बोलना चाहिए। अगर मीठा बना करके बोलना नहीं आता है तो चुप रहिए, मौन व्रत का पालन कीजिए। हम मौन भी रहेंगे ना तो हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा तो तब होता है जब हम उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, मीठा नहीं बोलते हैं। मौन रहे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। एक बार एक स्त्री एक साधु के पास गई और उसने साधु से पूछा कि बाबा हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे घर में झगड़ा ही ना हो। संत ने अपने झोली से एक जड़ी निकाला और कहा कि देखो इसे तुम अपने दांत से दबा करके रखना, कभी झगड़ा नहीं होगा। वह स्त्री घर में गई और दिन भर उसको अपने दांतों से दबा करके रखती तो प्रभाव ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि जिस घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे, जैसे ही उसने अपने दांत में जड़ी को दबा करके रखना चालू किया घर में झगड़ा होना बंद हो गया। एक दिन की बात है वह स्त्री पुनः साधु बाबा के पास गई। उसने कहा कि बाबा जी आपने ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया, ऐसा कौन सा ये जड़ी जादू भरी जड़ी दे दिया कि जब से मैंने दबाया तब से आज तक झगड़ा नहीं हुआ। उस समय उस साधु बाबा ने कहा कि अरे पगली, ये मेरे जड़ी का और किसी मंत्र का और जादू का प्रभाव नहीं है, तू जो है उस जड़ी को दांत में दबा करके रखती है ना तो मुंह बंद रहता है, तू कुछ नहीं बोलती है ना, इसलिए घर में झगड़ा नहीं हो रहा है। ये जड़ी का प्रभाव नहीं है, तू चुप रहती है ना इसलिए झगड़ा नहीं हो रहा है, इसीलिए झगड़ा बंद है। कहने का भाव यह है कि हमें अगर मधुर बोलना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप मौन रहिए, चुप रहिए तो घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। कठोर मत बोलिए, अगर वाणी कठोर है तो बात को कंठ में ही रख लीजिए, कंठ में ही रख लीजिए। जैसे शिव जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे शिव जी आप सब लोग जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत प्रकट हुआ और सबसे पहले तो जहर प्रकट हुआ और वह जहर इतना खतरनाक था, बहुत खतरनाक था। तो शिव जी ने क्या किया कि उस जहर को उस विष को अपने कंठ में ही रख लिया। क्यों? क्योंकि शिव जी ने सोचा कि अगर अंदर लेकर के जाऊंगा तो मैं जलूंगा और अगर बाहर निकालूंगा तो संसार के लोग जलेंगे, इसीलिए शिव जी ने उस जहर को तो न तो अंदर लिया और न तो बाहर छोड़ा, उस जहर को उस विष को अपने कंठ में ही रख लिया। ठीक उसी प्रकार हमें भी विष तुल्य वचन को, जहर के समान शब्द को अपने कंठ में ही रखना चाहिए।
क्योंकि अगर अंदर ले जाएंगे तो हम जलेंगे, हृदय में चिंतन होगा, और अगर बाहर निकालेंगे तो दूसरे लोग जलेंगे, दूसरे लोगों को दुख होगा। इसीलिए हमें जो है विष तुल्य वचन को अपने कंठ में ही रखना चाहिए, और बोलना ही है तो हमें मधुर बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। और साथ ही साथ हमें छोटे से छोटे लोगों के प्रति भी सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या नित्य ही हमेशा ही ऐसे होता रहता है कि हम लोग छोटों को अपमान पूर्वक शब्दों से बुलाते हैं, लेकिन हमें छोटों को भी सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए। जैसे श्री सीता मैया, आप सब लोग जानते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुर में पहुंचे और वहां पर पहुंच करके जब शिव धनुष को तोड़ दिया, उस समय जनक जी के गुरु सतानंद जी ने जनक जी से कहा कि जनक जी आप जो है अब सीता राम के विवाह की तैयारी कीजिए, अब जल्द ही दशरथ जी के पास यह शुभ समाचार भेजिए। जनक जी ने अपने एक दूत के साथ यह समाचार भिजवाया और वह दूत जो है जनकपुर से अयोध्या में आया और आकर के भरी सभा में उस दूत ने राम जी के अनेकों पराक्रम का वर्णन किया और साथ ही साथ उन्होंने विवाह की भी बात कही। उस समय दशरथ जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने गले का सोने का हार जो है निकाल करके भेंट में खुश खबर सुनाने की खुशी में यह भेंट दिया और अपने सैनिकों से कहा कि इन्हें मीठा जलपान कराओ। उस समय जनक जी के दूत ने हाथ जोड़ लिए और उस दूत ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं जो है यहां पर जल पान नहीं कर सकता क्योंकि एक पिता को चाहिए, एक पिता का धर्म है कि एक पिता अपने बेटी के घर पर पानी भी नहीं पीता है, नहीं पीना चाहिए, इसलिए मैं जो है यहाँ का जल पान नहीं करूँगा। उस समय दशरथ जी ने आश्चर्य में भरकर पूछा कि आप तो जनक जी के नौकर हो तो आप किस नाते से इस अयोध्या के दरबार को आप सीता का ससुराल मानते हो, किस नाते से, आप तो जनक जी के नौकर हो। उस समय उस दूत के आंखों में आंसू आ गए। उस दूत ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, आप लोग तो बहुत बड़े आदमी हैं, यद्यपि मैं तो जनक जी का नौकर हूं, एक साधारण नौकर हूं, परंतु सीता बेटी ने आज तक मुझको बाबूजी और पिताजी के अलावा अन्य किसी शब्द से मुझे पुकारा नहीं। यद्यपि मैं एक जनक जी का एक साधारण नौकर हूं, लेकिन फिर भी सीता जी ने मुझे पिताजी और बाबूजी के अलावा कुछ नहीं कहा, इसी संबोधन से मुझे पुकारा। तो जब वह मुझे पिताजी कहती है तो वह मेरी बेटी हुई और उसका विवाह यहाँ अयोध्या में होने वाला है, तो मैं भला अपने बेटी के घर पर जलपान कैसे कर सकता हूँ।
प्रसंग बड़ा है, सार बात यह है कि देखिए श्री सीता जी अपने घर पर नौकरी करने वाले एक साधारण नौकर को भी इतना सम्मान पूर्वक बाबूजी और पिताजी कहकर बुलाती थी। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी छोटे से छोटे लोगों को भी सम्मान पूर्वक बुलाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी हमें तो सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए, हमें दूसरों को दूसरों के साथ मीठा बोलना चाहिए और साथ ही साथ अपने घर पर छोटे छोटे बच्चों को भी मीठा बोलना सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को मीठा बोलने की शिक्षा और बच्चों को भाषा की शिक्षा देने की जिम्मेदारी भगवान ने माता और पिता को ही दिया है। देखिए भगवान ने एक बच्चे को दो हाथ दिए हैं, दो पांव दिए, दो आंख दिए, नाक दिया, सुंदर शरीर दिया, सब कुछ दिया भगवान ने, भगवान ने सब कुछ दिया, एक मुख दिया, एक जीव भी दिया, सब दिया, लेकिन भगवान ने बच्चे को भाषा की शिक्षा नहीं दिया। एक बार एक दंपति ने, दो पति पत्नी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपने हमारे बच्चे को सब कुछ दिया लेकिन भाषा क्यों नहीं दिया। भगवान ने कहा कि देखो मैंने बच्चे को सब दे दिया लेकिन अब बच्चे को भाषा की शिक्षा देने की जिम्मेदारी माता और पिता को है। और एक बात ध्यान रखना कि आप बच्चे को जो भाषा सिखाओगे वही बाद में आपको सुनने को मिलेगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बच्चे को कौन सी भाषा सिखाते हो। आज कुछ लोग अपने बच्चों को इंग्लिश की भाषा सिखाते हैं, अच्छा है, सिखाना चाहिए, इंग्लिश की भाषा सिखाते हैं, जापान की भाषा सिखाते हैं, अमेरिकन भाषा सिखाते हैं, अनेकों भाषा सिखाते हैं, महाराष्ट्र की भाषा सिखाते हैं, विदेश की भाषा सिखाते हैं, लेकिन एक संत बहुत सुंदर कहते हैं कि अगर अपने बच्चे को सिखाना ही है तो आप अपने बच्चे को प्रेम की भाषा सिखाइए, क्योंकि इस प्रेम की भाषा को बहरे लोग भी सुनते हैं और अनपढ़ लोग भी समझते हैं। प्रेम की भाषा सिखाइए। तो मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है कि शास्त्रों के इन प्रसंगों से हमें यह पता चलता है कि हमें मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए और छोटों के साथ भी सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए और अपने बच्चों को प्रेम की भाषा सिखाना चाहिए, मीठी भाषा सिखानी चाहिए। और ये सारा गुण, मीठा बोलने का गुण, छोटों को सम्मान पूर्वक बोलने का गुण, ये सारा गुण कैसे आएगा, तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुराः। भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान श्री रामचंद्र जी के रामचंद्र जी की भक्ति करता है, तो उसके भीतर ऑटोमेटिक ये सारे दिव्य गुण अपने आप आ जाते हैं। इसलिए अगर हमें हमारे भीतर मीठा बोलने का गुण लाना है, छोटों को भी सम्मान पूर्वक सुखदायक
बोलने का गुण लाना है तो हमें राम और कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और साथ ही साथ हमारे इस्कान के मंदिरों में जाना चाहिए और वहाँ पे जो भक्त लोग हैं, जो मधुर बोलने वाले भक्त हैं, ऐसे भक्तों का संग कीजिए, आपकी वाणी अपने आप मधुर हो जाएगी। जैसे टपोरी लोगों के साथ रहने से टपोरी भाषा अपने आप आ जाती है, वैसे ही भगवान के जो भक्त हैं, जो मधुर बोलते हैं, ऐसे मधुर बोलने वाले भक्तों का संग करेंगे तो हमारी भी वाणी मधुर हो जाएगी। इसलिए भक्तों का संग कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। भक्ति का मतलब क्या है? इस कलयुग में नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में भगवान के नाम का जप करना ही भक्ति है। इसलिए अगर अपने वाणी को मीठा बनाना चाहते हैं तो भगवान के मधुर मधुर मीठे मीठे नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।